हेलो टीम, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेंटल क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये इसका फ्रंट एंड सॉरी ये इसका डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डिपार्टमेंट, डॉक्टर, पेशेंट, पेशेंट का अपॉइंटमेंट डेटा, पेशेंट का केस स्टडी डेटा, प्रिस्क्रिप्शन देख पाओगे, इनवॉइस है, पेमेंट आपको चेक करना है, मंथली डेबिट क्रेडिट चेक करना है। यहाँ पे आप ईयर का देख सकते हो, ओवरऑल आप यहाँ पे कंप्लीट चेक कर पाओगे। इसके बाद हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट आपको बनाने हैं, यहाँ से आप डिपार्टमेंट बना सकते हो। यहाँ पे आप डॉक्टर का कंप्लीट डेटा चेक कर सकते हो, जैसे नेम, ईमेल, फोन नंबर, डिपार्टमेंट। आप इस पर क्लिक करोगे तो डिटेल्स ओपन हो जाएगा, इमेजेस वगैरह आ जाएगा। आपको एडिट करना है, आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, आपको न्यू बनाना है न्यू बना सकते हो, डिलीट करना है वो भी कर सकते हो। इसके बाद पेशेंट में आप जाओगे तो पेशेंट का कंप्लीट डेटा आपको मिल जाएगा। आप व्यू एडिट डिलीट करना है, एक्सपोर्ट करना है, फिल्टर लगाना है, एड इम्पोर्ट, एड पेशेंट करना है, वो भी आप कर सकते हो। डॉक्टर शेड्यूल कर देता है, आप यहाँ पे चेक कर पाओगे नेम, वीक डे, विजिटिंग टाइम क्या रहेगा, स्टेटस एंड देन ऐड। आपको शेड्यूल ऐड करना है, यहाँ से शेड्यूल ऐड भी कर सकते हो। अपॉइंटमेंट कर देता है, आप यहाँ पे देख पाओगे डॉक्टर नेम, पेशेंट नेम, अपॉइंटमेंट की डेट, टाइमिंग आ जाएगा। आपको व्यू करना है, डिलीट करना है, वो कर पाओगे, इसमें मिल जाएगा आपको पेशेंट की अपॉइंटमेंट। आपको और कोई ऐड करनी है तो इसमें चाहिए, पेशेंट सिलेक्ट करेंगे, डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी है, अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करेंगे, अवेलेबल का स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, डेट के बाद प्रॉब्लम डालेंगे, देन सबमिट। पेशेंट का केस स्टडी का डेटा यहाँ मिल जाएगा, आपको ऐड नहीं करना है। यहाँ से डिटेल्स आप फिल कर पाओगे, जैसे फूड एलर्जी है, हार्ट डिजीज है, इस तरीके से आप केस स्टडी आप पूरा बना सकते हो। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन का डेटा है, प्रिस्क्रिप्शन ऐड करना है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को आप मैनेज कर पाओगे। इसके लैब की रिपोर्ट, आप यहाँ पे लैब रिपोर्ट ऐड भी कर सकते हो, डेट डालिए, पेशेंट सेलेक्ट कीजिए, डॉक्टर सेलेक्ट कीजिए, लैब रिपोर्ट का टेम्पलेट सॉरी टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए, रिपोर्ट डालिए, फोटो यहाँ पे इमेजेस आप ऐड कीजिए एंड देन सबमिट। आपको लैब रिपोर्ट के टेम्पलेट आपको जो बनाने हैं वो आप यहाँ से बना सकते हो। नेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बॉडी आप वगैरह हम यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, टेम्पलेट आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अकाउंट हेडर का डेटा आपको चेक करना है, वो आप यहाँ पे कर पाओगे। हेड अकाउंट हेड करना है, वो आप यहाँ पे कर पाओगे, पूरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। इनवॉइस आपको चेक करने हैं, इनवॉइस चेक कर सकते हो। पेमेंट रिपोर्ट फ्रंट एंड आपको इसका चेक एंड अपडेट करना है। आप इसमें जैसे फ्रंट एंड में होम, अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टेक्ट अस, वो पेजेस आपको भी एडिट करना है, वो आप कर सकते हो। ईमेल का दिया हुआ है तो ईमेल के टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट बना पाओगे। कैंपिंग आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप कैंपिंग भी ऐड कर सकते हो। कैंपिंग का नेम, ग्रुप आप सिलेक्ट कीजिए, किस ग्रुप को भेजना है, टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए, मैसेज डालिए, शेड्यूल आपको नाउ करना है, लेटर करना है, वो आप कर सकते हो। ईमेल के टेम्पलेट आप यहाँ पे बना पाओगे। एसएमएस के आपको यहाँ पे जो गेटवे है, गेटवे का कंपनी डेटा मिल जाएगा, जो हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, इस समय ट्विलियो यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट में यूज किया हुआ है हमने, इसके बाद प्लेवो, क्लिकटेल, ये हमने सारे यूज किए हुए हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एसएमएस टेम्पलेट। एसएमएस टेम्पलेट आप यहाँ पे देख पाओगे, एसएमएस टेम्पलेट यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ से ऐड कर पाओगे, पूरे ऑफिस में दिए हुए हैं। इसके बाद एसएमएस के कैंपिंग आ जाता है, तो आपको कैंपिंग डालना है, यहाँ से आप कैंपिंग भी अपना डाल सकते हो। इसके सेटिंग फंक्शन है, तो रोल मैनेजमेंट में जाएंगे तो रोल मैनेजमेंट हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, अपने जितने हमने रोल्स बनाए हुए हैं सारे आपको रोल्स मिल जाएंगे। रोल्स की परमिशन वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिफॉल्ट है कैसे है। आपको एडिट डिलीट करना है, एडिट डिलीट कर सकते हो। यूजर का मैनेजमेंट आपको चेक करना है, यूजर मैनेजमेंट चेक कर पाओगे, तो पेशेंट है, डॉक्टर है, आपको एड यूजर करना है, वो आप कर सकते हो। रोल मैनेजमेंट में आप यहाँ पे एड रोल करते हो तो यहाँ से आप परमिशन भी दे सकते हो, जो भी आप परमिशन दोगे यूजर मैनेजमेंट उसको दे दीजिए, उसके बाद वो पूरा यूज कर पाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन है, उसका आपको चेक करना है, अपडेट करना है। एस जनरल सेटिंग्स में आपको कंपनी डिटेल्स, टैक्स नंबर, वो चीज़ आपको अपडेट करनी है। एसएमटीपी की यहाँ पे आप डाल सकते हो, एसएमटीपी आपको वर्किंग रहेगा, जिससे आप पूरा मेल सेटअप कर पाओगे। इसके बाद करेंसी है, तो मल्टीपल करेंसी को सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पर करेंसी आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो, न्यू भी डाल सकते हो, पूरे ऑप्शन हैं। टैक्स रेट्स आप यहाँ पर डाल पाओगे, तो इसमें बताने के लिए इतना ही है, कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो। और इसका ये फ्रंट एंड रहेगा, तो मैं फ्रंट एंड भी बता देता हूँ, जैसे बुक एंड अपॉइंटमेंट करना है, वेलकम टू है, हेल्थ सर्विसेज है, ये पेजेस आपको चेंज करने हैं, वो कर पाओगे, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे आप पूरा मैनेज कर सकते हो। तो इसमें कुछ क्वेरी रहता है तो आप हमें बता सकते हो, कॉल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।